ए गाँ ए रास्ता आउ ए घर ए दृश्य सब देखिले आपण बेस अनुभव करि पारुथिबे एथि अधिक बा कोन थिबो ए झाटीमाटी घर चूली चाळ आउ तेल लुण ढोके मंदे पी जीवनटा खाली गड़ी जाउथुबो जहा एथि स्वप्न पूरण करिवार साधन काई हेले दर्शक बंधु चूली मुंडे माँ पाखे बसी निज मन कथा कही जाउथुबा ए साधारण पिलाटी हजार हजार थिलावाला घर पिलांकु पछरे पकाई दीछि राउरकेला सहर ठारु 25 किलोमीटर दूर रे थिबा ओडुसु पंचायत जटाटोला गाँर ए पिलाटी हेउछि सत्य ओरा खपर घरे बढ़ी डिबी आलुरे जीवन मंची नीट परीक्षा पास करी कटक बड़ मेडिकल रे ये डाक्तरी पढ़ुछि जे गाँव में औषध उपरे लोकंकर भरोसा नहीं डाक्तर देखिले लोके संदेह करती ये से ही गाँवर पिला जे कहुछि मु जदि डाक्तर हेबी आम गाँव रेबी किंतु मनरे थिला कि मते डॉक्टर बनिबा पई मो आम गाँव रे लोक माने डॉक्टर खा जीबा के डरुछंती कि आम लोक नहांती आम करिबु कोन तो मु जदि डॉक्टर बनिबी से माने आसीबा डॉक्टर आसीबा पई से माने बहुत खुशी हेइ जिवे आ से माने आसी जिवे चालंतु सुनिबा ता मनर कथा जानिबा ता अभाव ओ असुविधा से माने एठी खाली पूजा करुछंती आउ लोक माने मरि भी जाउछंती गांरे तो से माने डॉक्टर किंतु आमी जीवानी से माने मर से माने हमकु मारि कि मरि देबे कहउछंती आ से माने डर रे जाउ नांती तो मु जे डॉक्टर बनी भी से माने आशा रखिबे कहउ हम लोक अछंती हम गां पिला अछंती आमी जीवु डॉक्टर आ डॉक्टर खाना जीवा को आमी डोरिबुनि से माने भाबिबे तेनु मु एई लक्ष्य करकि मु डॉक्टर बनी बनिबा पमी स्थिर करिछ हां कोन करिबा किंतु चोडिबा को पड़िबो जदि मु किसी गोटे करबी मु गां पई निहाती उन्नति करबा को निहाती चेष्टा करबी जेमिति हेले चेष्टा करिकि रहिबी तो मु बहुत परिस्थितिरु मु पाठ पढ़ुथिलि आउ मो पई पैसा भी नथिला पैसार अभाव जगु मु निजे ही प्रिपरेशन करुथिलि मन त थिला कि गोटे ऑफलाइन कोचिंग जीवा किंतु सेठी लक्ष लक्ष खर्च केमिति करिबी मो बापा चासो करंती आ मो मा हाउस वाइफ तो सेमाने देबारे से माने समर्थन नथिले तो मु निजे ही पाठ पढ़ुथिलि गोटे घर छोट रेंट रूम नेकि मु राउरकेला रे घर रहिले कोटि नेटवर्क प्रॉब्लम रहुछि तो मु क्लास करि पार नथिलि भलरे आ घरे आसिले सबु काम धाम करबाकु पडुथिला किंतु डॉक्टर पढ़िबा पई बहुत ही कष्ट करबाकु पड़ी था बहुत 24 घंटा धरिक मुझे पाठ पढ़ुरी कितु घर से ही सुविधा नाला केत करेन्टर बिजली असुविधा होता तो केते बे नेटवर्क रो तो ए सब असुविधा रे मु किछि रही पारु नथिली घरे तो मु बापा को कहूथिली कि मते गोटे रेंट रूम देले मु जेति 24 घंटा पढ़िबी आ निहाती गोटे गवर्नमेंट हॉस्पिटल टा रे मु निहाती एमबीबीएस करिकि मु चाकरी भी पाइबी से बापा को या ही कहीथिली बापा मानि जैथिले आउ से रेंट रूम देथिले शेषे मो पाखे मोबाइल फोन भी नथिला मो बापा को कहिले मते मोबाइल फोन निहाती दरकार नाले मु पाठ पढ़िबी केमिति मो पाखे बही भी नथिला पैसा भी नथिला तो बही किणा मो पाई योग्य नथिली तो जहाँ ऑनलाइन मटेरियल मिलूला से पढ़ुली वैद्य सब कौन कि डाक्टर को विश्वास करूना औषध खावाप डरुँचना कि आम कड़े मरीजु आम मरबू कि घर ही मरबू कौन कि हस्पिटाल जीवनी कौन तेणु मुझे गोटे 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 सुजोग हो पारि डाक्टर आउ से पाख आसबे आगे भलि ट्रिटमेंट करी डाक्टर हाँ निहती करी कहीं ग्राम रू जन्म जन्मस्थान से लोक मान नि सेवा कर समर्थ रही आ चेष्टा करी निहाती जदि समय न होले भी मुझे आसिक देखी गाँव लोक मान अच्छा कटक गले कटक हाँ एसीबी मेडिकल पाठी ए मुझे जाइली हॉस्टल अप्लाई करने देखिली मोप हॉस्टल ही मिलूना आउ कहले कि मस दुई मस लगे तो मो पाखे सुविधा नथिबार मु पढ़ी आसली गाँव को कि मुझे हॉस्टल मिलो हेले जी ना गाँव में निजे पढ़ी घर भाविक आसी जदि कौटी कड़े गोटे रूम मिल चली जी कटक को रैंक जो एग्जाम मेडिकल एग्जाम के रैंक से कह 1.6 लाख था रैंक आउ स्टेट रैंक मोर थी 3244 आउ मोर एस टी रैंक थी मोर 22 ओडिशार हाँ से प्रथम यहाँ मोर सेकेंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट जिते प्लस टू सरी थी से मुझे तो से मोर 320 मार्क था तो से मतलब प्राइवेट कॉलेज मिलता से राउरकेला हाईटेक तो मो पाखे एत पैसा नाला तो मुझे भाविली ना मुझे करी गोटे समय देखी मुझे करी आ गए निहाती गवर्नमेंट मेडिकल मुझे आडमिशन करी और गोटे डॉक्टर बनिकि से मुझे कष्ट करके आज ये आप पहुँची एवं कौन असुविधा कौन आप चाहते सरकार हाँ सरकार मत साले मु आहरी मान आग को बढ़ी पारि आ मत अर्थव्यवस्था से मैंने साय कले मु खुशी मु आग को आहरी बढ़ी पारि
କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ ହେଉଛି ଏବେ କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ବହି ବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ପଇସାର ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଯାଇଛି କ'ଣ କେମିତି ପଢ଼ିବି, ଆଉ ଖାତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବହି ଖାତା, ରହିବା ଜାଗା କେମିତି କ'ଣ, ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଚିନ୍ତାର ଦାୟକ ମୋ କଥା ପାଇଁ। ମୋର ସାନ ଭାଇ MBBS ପଢ଼ୁଛି, ଏ ବର୍ଷ କ୍ଲିଅର କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଥିଲୁ ରାଉରକେଲାରେ ଜଗଦାରେ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଥିଲୁ, ନିଜ ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଥିଲୁ, ଆଉ ପଇସା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଜେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଥିଲି। ଆଉ କୋଚିଂ ଫୋଚିଂ ପିଲା ଦୁଇଟା କିଛି ପିଲାକୁ ମୁଁ କୋଚିଂ ପଢ଼ାଉଛି, ତାପରେ ସେ ପଇସାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଇଛି, ସେ ଆମର ପାଖରେ ତ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଭଲ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରରେ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିବି ଟଙ୍କା ବହୁତ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗୁଛି, ତ ଏଇଟା ଆମର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ପଢ଼ିବାର ଲାଗି। ତ ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ କରିଛୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଲାଗି ତ ଆଉ ଟଙ୍କା ପତ୍ର ତ ଦିଶୁ ନାହିଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଆମେ ପଢ଼େଇ ପାରିବୁ, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇପାରିବ। ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ସିଡ଼ୁଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲାଟେ ଆଜି ତା'ର ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯଦି ସିଟ୍ଟେ ପାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୌରବ କଥା, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଆଡ଼ୁ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଏ ପିଲାଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କାମନା ମୁଁ କରୁଛି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତଥା ମୋ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଯାହା ତାକୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା କଥା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।